वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलम की रोशनी. माई सेल्फ इज मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने लेक्चर में देखा था कि जितने भी बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनको वन बाय वन करके हमने उनके कॉन्सेप्ट को, उनके डेफिनेशन को समझने की कोशिश की. अब जो आने वाले लेक्चर्स हैं इसमें हम देखेंगे कि वो वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप के कैसे हर एक लेवल की कैसे उसकी स्ट्रक्चर होता है और उसकी वो कैसे कंपोजिशन होती है और उसको वेरी डिटेल्स में हम उसको देखेंगे. तो हमारा आज का जो पहला लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है. तो डियर स्टूडेंट, इस पर एज पर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, आइदर दे हैव द एबिलिटी टू एग्जिस्ट लाइफ और नॉट, वो सारी की सारी किस चीज से मिलकर बनी होती है, वो सारी की सारी सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनी होती है. तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक लेवल क्या होता है, एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, या कोई एक एटम क्या होता है, फिर उसके बाद हम आएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ. तो सबसे पहले हम एटम की डेफिनेशन देते हैं कि एटम की डेफिनेशन क्या होती है. मतलब एटम की डेफिनेशन क्या है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो छोटे से छोटा जर्रा किसका, एलिमेंट का, और वो क्या करता है, वो उस एलिमेंट की, उस स्पेसिफिक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर एग्जिस्ट करता है, अपने अंदर उसको बरकरार रखता है, अपने अंदर उसको सस्टेन रखता है. तो ये डियर स्टूडेंट जितनी भी चीजें हैं स्कूल लाइफ पर, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो सारी की सारी किस चीज से मिलकर बनी हुई है, वो सारी की सारी एटम से मिलकर बनी हुई है. तो एटम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सब एटोमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनको हम सब एटोमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं. तो इधर हम सबसे पहले देखते हैं वो बेसिक सब एटोमिक पार्टिकल्स जो किसी भी एटम में पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एज वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज न्यूट्रल चार्ज. न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, दैट्स व्हाई वी नेम इट न्यूट्रॉन. तो अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं मिसाल के तौर पर. मैं आपको एक हाइड्रोजन की एग्जांपल लेता हूँ. हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है. इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो शेल होता है किसी भी एटम का उसके इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं, और जबकि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो विद इन द न्यूक्लियस होते हैं. तो ये किसी भी एटम का, ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, जबकि ये उसके इसके शेल्स हैं. शेल्स के इर्द गिर्द जोन से वो सारो जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही होती है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूट्रॉन भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म के एटम आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको हाइड्रोजन की एग्जाम्पल दी है. इसी तरह हमारे पास कार्बन का एटम आ सकता है, हमारे पास नाइट्रोजन का एटम आ सकता है, हमारे पास सल्फर का एटम आ सकता है, हमारे पास फॉस्फोरस का एटम आ सकता है. ये मुख्तलिफ किस्म के एटम्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में पाए जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है कि जब भी कोई डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं विद डिफरेंट प्रोसेसेस, उसमें मुख्तलिफ किस्म की बॉन्डिंग्स आ जाती हैं. मिसाल के तौर पर उसमें आयनिक बॉन्डिंग आ जाती है, उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाती है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है. तो एज ए रिजल्ट जब हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलती है, फाइनल कंपाउंड मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. जब दो एटम या दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए विद द डिफरेंट किस्म की प्रोसेसेस, वो डिफरेंट किस्म के प्रोसेस के हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें और भी किस्म की बॉन्डिंग होती है. मैं जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन हो जाएंगे तो हमारे पास एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में आएगा. तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या आ जाएगा, वो मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर की फॉर्म में, हमारा ये एक एज ए रिजल्ट जो होगा वो वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट, जब मुख्तलिफ किस्म के बात करने का यहाँ पे मकसद ये है कि जब मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक रिजल्ट हमें फाइनल प्रोडक्ट दे देंगे तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे कह देते हैं. तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कि मॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज. साइज के लिहाज से हमने मॉलिक्यूल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया है, और वो कौन कौन से हम उसको देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स. दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स.
तो यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं। तो क्योंकि जो हमने जब पहले एटॉमिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट समझा था उसमें देखा था कि उसमें डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो वो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स कंबाइन क्यों होते हैं, उसकी रीजन ये है कि वो एलिमेंट्स जो होते हैं लिविंग बॉडी में वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना होता है लाजमी तौर पर ताकि वो मॉलिक्यूल्स को बना सके। तो अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दें, मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बहुत एज कम्पेयर टू मैक्रो बहुत कम होता है। आप अगर इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आपको क्लियरफाई हो जाएगा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाती है ग्लूकोज की एग्जांपल है, जैसे कि C6H12O6। इसके अलावा हमारे पास ये ग्लूकोज की एग्जांपल है, इसके अलावा हमारे पास आ जाती है C12H22O11, ये शुगर की एग्जांपल आ जाती है इन केस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल पहले दी है, वाटर इज आल्सो अ माइक्रो मॉलिक्यूल। इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा हमारे पास अमोनिया है, NH3 है, ये भी एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह लॉट्स ऑफ एग्जांपल हम माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की देख सकते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत कम होता है, तो जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत हैवी होता है। तो दैट्स व्हाई कैटेगराइज देम इनटू मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट अगली जो हमारी डिवीजन आती है मॉलिक्यूल्स की इन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में मॉलिक्यूल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो सेम ऐसे ही है कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में मॉलिक्यूल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, वो कौन कौन से हम उसको देख लेते हैं। एक तो हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, मैं दोबारा आपको बताता चलूं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि इनमें नॉट प्रेजेंट साइमल्टेनियसली इकट्ठे इनमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ लग जाएगी कि इकट्ठे जो उनसे होंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास आ जाता है C6H12O6। तो आपने ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ये क्या हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आपको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दूं तो वो क्या है, आ जाती है मिसाल के तौर पर वाटर है। ये दो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वाटर की, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है तो इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है और ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो जो हमारी अगली एग्जांपल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमें इससे हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो हमारी जो कंडीशन है कि उन दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होगा तो हम उसको ऑर्गेनिक में कंसीडर करेंगे, अगर उनमें से एक भी प्रेजेंट हुआ दूसरा प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसको इनऑर्गेनिक में कंसीडर करेंगे। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, उनकी एग्जांपल कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। बहुत से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, प्रोटीन्स आती हैं हमारे पास, लिपिड्स आते हैं हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स में जैसे हमारे पास ADP आ जाता है, ATP आ जाता है, ADP स्टैंड फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही है, आज हमने एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल को देखा, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल को देखा। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर एम्बिग्युइटी। थैंक यू।